अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं मैसूर बोंडा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बोल, और अब मैं उसमें डालूँगी आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, और मैं इसमें डालूँगी प्लेन दही। तकरीबन 3 चम्मच दही मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और फिर डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। इसको भी मैंने मिक्स कर लिया है नमक भी डाल के। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च दी है, तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्च थी। आप हरी मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको भी डाल के मैंने मिक्स कर लेना है। अब ये मिक्स हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे आधी छोटी कटोरी चावल का आटा, 1 कटोरी मैदा। और अब इसको हम पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो दही है वो अच्छे से हर तरफ मिक्स हो जाए। उसके बाद ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तुरंत इसमें पानी नहीं ऐड करना है। अगर दही बिना मिक्स किए पानी डाल देंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इसको कितना थिक रखना है और कितना नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया, और इसको थोड़ा देर के लिए मैंने रेस्ट पे रख दिया था। ये देखिए इतना थिक रहेगा। तो 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए इसको मैंने रखा था। अब फिर मैंने दोबारा इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब इसको फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम होने को रख दिया था। ये गरम हो चुका है तो पहले देखिए डाल के चेक करेंगे। तो ये देखिए तेल बिल्कुल सही गरम है। अब ऐसे ही हम बोंडा को फ्राई कर लेंगे, और पहले हम छोटे चम्मच से पलट देंगे ताकि एक दूसरे में चिपके ना। फ्लेम आप लो टू मीडियम रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से फ्लेम को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेम आपके बर्तन के अकॉर्डिंग ही हो सकता है कम ज़्यादा। तो ये देखिए गोल्डन होना ये स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से इसको पलट पलट के हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। और जब आप इस बोंडे को डालते हैं फ्राई होने के लिए, अगर ये हाथ में चिपके तो आप हाथ में पानी लगा के डालें, तब ये इजीली हाथ से छूट जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। ये मेरी रेसिपी बनके तैयार है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसके साथ मैं आम की चटनी सर्व कर रही हूँ, क्योंकि उसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आप किसी भी चटनी किसी भी सॉस के साथ सर्व कर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।